हेलो भाइयों, बहनों, दोस्तों, छोटों और बड़ों, आप सभी का स्वागत है मेरे उत्तराखंड सीरीज के एपिसोड 7 में। नो मैड इशू चैनल पर अगर नए हैं या फिर अभी तक आपने उत्तराखंड सीरीज के पिछले व्लॉग्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें, जहां पर आपको उत्तराखंड सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप मेरे सभी पिछले उत्तराखंड सीरीज के व्लॉग्स को देख सकते हो। व्लॉग अगर पसंद आए ना तो लास्ट में एक लाइक, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मुझे काफ़ी ज़्यादा भर भर के मोटिवेशन मिलता है और मन करता है ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, प्लीज़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उत्तराखंड सीरीज के एपिसोड 7 को। तो मैं उत्तराखंड टूरिज्म की अगर बात करूँ ना तो मेरे साथ एक बार भी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ पे, फिर वो चाहे हिच हैकिंग को लेकर हो या फिर कोई नए दोस्त बनाने तक लेकर हो। उत्तराखंड में ट्रैवल करते हुए मैंने काफ़ी नए दोस्त बनाए और उन्हीं नए दोस्तों की बदौलत मैं कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस को कवर कर पाया जो कि मेरी आइटनरी में शामिल भी नहीं थी। अगर आप भी उत्तराखंड में ट्रैवल करने की सोच रहे हो ना तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको वहाँ पर ना सिर्फ अच्छे लोग मिलेंगे बल्कि आप वहाँ पर काफ़ी अनेकों प्रकार की एडवेंचर्स कर सकते हैं और इसी के साथ वहाँ की खूबसूरत वादियों में तो आप कहीं पर खो जाएंगे और आप सिर्फ मेरी तरह एक ही बात कहेंगे कि मैं यहीं पर बसना चाहता हूँ और मैं यहाँ से घर वापस जाना ही नहीं चाहता। आज मैं आपको करवाऊंगा चोपता का वर्चुअल टूर और इसी के साथ चोपता में एक हिडन व्यू पॉइंट, इसी के साथ तुंग महादेव, रावणशिला और एट लास्ट में चंद्रशिला। तो बने रहिए इस पूरे व्लॉग में क्योंकि ये व्लॉग काफी अच्छा होने वाला है। विकास ने मुझे इस रूम में होस्ट किया था एक दिन के लिए और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे चोपता के लिए। ओके ब्रो, ओके, मिलेंगे जल्दी, बहुत जल्दी। जब कभी रुद्रनाथ का ट्रैक करना होगा मुझे, कभी भी आओ तो बिल्कुल स्वागत है आपका। कभी भी। और अब बढ़ता हूँ आगे चोपता के लिए। ओके ब्रो। सो भाई, लिफ्ट तो मिल गई है चोपता जाने के लिए। लग नहीं रहा था कि लिफ्ट मिलेगी बट फिर भी गांव वाले ने हेल्प की, उधर वाले लोकल्स ने, तो लिफ्ट मिल गई है। अब सीधा चोपता ही जा रहा हूँ। फाइनली चोपता पहुंच चुका हूं। अब मैं जिनसे लिफ्ट लेके आया हूं, इनका नाम विनोद है और इनसे भी अच्छी मित्रता हो गई है, तो इन्होंने भी ऑफर किया है कि मैं इनके पास इनकी ही लोग साइड पे कैंपिंग करूं और इन्हीं के साथ रहूं। ये विनोद जी का कैंप है और ये खुद विनोद जी जिनके पास मैं आज स्टे कर रहा हूँ। तो ये आप ही का सारा ये वाला? नहीं नहीं, हमारे नीचे वाले भी हैं। अच्छा, वो जो वहाँ पे रेड वाला है? रेड वाला नहीं, उसके इधर ये वाला, वाइट वाले जो हैं। ये वाइट वाले कैंप आपके हैं? अच्छा अच्छा, ये अलग अलग है? अलग अलग है सब। एक दो और ये अच्छा, ये है कैंप्स। सो विनोद जी तो चले गए अपने घर वापस, उनके जो वर्कर्स हैं यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ मैं वाटरफॉल देखने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि इनकी ड्यूटी लगा के गए हैं कि मुझे वो वाटरफॉल दिखा के लाएं। अरे ध्यान से, ये देखनी है वाटरफॉल। फिर सोचो, शांत मन करो एक बार ना, उसके बाद सोचो क्या है। आज का पानी कम हो गया ना मेरे को, वही से है ना। दिस पॉइंट इज रियली अमेजिंग।
लव यू। ओह माय गॉड, ओह बहुत सुंदर, सब कुछ सुंदर है। आंखों में मेरे बाल पड़ पड़ के आंखें दुखने लगी हैं, तो ये कैप और वापसी चलते हैं। ले जाएगा। फंगस लगे हुए भाई, ये देखो यार, ये नेचुरल ब्यूटी वाली जगह की बहुत ज्यादा है यार। हां, ये उसी का फूल, उसी की लकड़ी, उसी का फूल है उसी। चलो पर मैंने थोड़ा एक लकड़ी, हां थोड़ा है अपना, वो लेके जाएंगे ना। शॉर्ट कट में नदी पे, नदी पर जाएगा। हां आज देखो, वो भी तो देखो मेहनत कितनी लग रही है, कितनी है। हां जी भाई, दाणी उनको भी ये वाली लाइन क्यों लगी हुई है और मैंने यहाँ पे टेंट क्यों लगाया है, इसके पीछे रीज़न बड़ा छोटा सा है कि सबसे पहले तो विनोद भाई के जो टेंट्स हैं वो अभी फुल हैं, और सेकेंडली वहाँ पे मोबाइल के टावर्स नहीं आते हैं, इसलिए ये यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हैं, अपना अपना वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं रात को देखने के लिए। तो मेरे लिए अच्छा है कि यहाँ पर रात को टावर आ रहे हैं, और मैं यहाँ पर रात को इंटरनेट यूज़ करता हुआ मोबाइल चलाऊँगा, थोड़ी एडिटिंग वगैरह करूँगा ब्लॉग्स की, और चिल मारूँगा बस, और क्या। तो ये रीज़न है बस इनके बैठने का और मेरा टेंट यहाँ पर लगाने का। एक आखिरी बैग बचा है, इसको यहाँ पे अंदर रखने के बाद खुद भी अंदर चला जाऊँगा। कुछ भी कह लो, रात को बहुत सर्दी होने वाली है, ये तो मुझे अभी यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे मैं खड़ा हूँ महसूस हो रहा है, जब हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। गजेंद्र भाई वाह वाह, गुड मॉर्निंग गाइस। रात को तो बड़ी भयंकर वाली सर्दी हो रही थी यहाँ पे, थैंक्स टू स्लीपिंग बैग और दिस आर्मी जैकेट बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। एंड 6 o'clock, आज का व्यू कुछ ऐसा, मेरे टेंट के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो अब मेरा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे गजेंद्र भाई छोड़ने जा रहे हैं चोपता तक। चोपता तक एक बार आदमी यहाँ आना चाहिए। हाँ, ये तो है। नजारा आदमी यही से देखना शुरू करेगा। हाँ, है कि नहीं है। बिल्कुल, आदमी ने चाहे देश विदेश घुमा होगा लेकिन जो चीज आदमी यहाँ घूम के देखेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आदमी को। ऐसा सही बात है, जो चीज यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। गुज्जू भाई का अलविदा हो गया, स्टिक ले ली और कुछ स्टिंग वगैरह, एनर्जी पीनट्स, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अंदर में एंटर होना है। तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट्स। रास्ते के लेफ्ट और राइट में यही फूल लगे हुए हैं। अमेजिंग व्यू। अभी तो सब ग्रीन ग्रीन है, एक समय ऐसा होगा यहाँ पे जब बिल्कुल ये जो स्नो है ये सब स्नो से ढक जाएगा, मज़ेदार। तो दूसरी बार यहाँ पे मैं ज़रूर आऊँगा उस समय भी। रियली रियली वो तुंगनाथ का टेम्पल दिखने लगा यहाँ से, एंड द व्यू इज़ रियली अमेजिंग।
अभी जा सकते हैं, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा कुछ टाइम बाद। चलो शिला तक अगर अभी नहीं जाते हम तो। चलते हैं फिर। सो दर्शकों, ये बर्फ कुछ है बस जो देखने को मिल रही है, शायद चंद्रशिला में ज़्यादा मिल जाए मालूम नहीं, बट दिस वे तुंगनाथ टेम्पल ऊपर जाते दर्शन करने के लिए। चले दोस्त दर्शन करें, फिर हमें अपना काम करना है। चलते हैं दर्शन करने। ओह हाँ हाँ राइट नाउ खुल बंद कपाट में दर्शन किए हैं। ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि कपाट अभी इनके भी बंद होंगे, सिर्फ मुझे लग रहा था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के ही बंद होंगे। बंद इनके भी हैं और ये 6 मई को बताया है खुलेंगे, कोशिश करूँगा दोबारा आने की। एंड सेकेंडली अब हमें ऊपर जाना है चंद्रशिला की ओर। चंद्रशिला यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर है। हैं भाई हम इस रास्ते से जाने वाले हैं, दिस इज नॉट शॉर्टकट एक्चुअली। वहाँ से रास्ता ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है, डेट्स वाई राइट। पर यार वहाँ पे स्नो देख लेंगे तो हम आए चलेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या हो सकता है ना। व्यू अच्छा है लेकिन रिस्क है। रिस्क चुकी है बहुत ज़्यादा, आवाज भी नहीं निकल रही, पूरे ऊपर जाना है। ये है चंद्रशिला, ऊपर से व्यू तो काफी अच्छा है बट वो जो एक ख्वाब था स्नो देखने का वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कि वो वही वाला कैंप है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ बट श्योर नहीं हूँ, लगता है ऐसा ही है। एकदम से काफ़ी सर्दी होगी तो मैंने ये जैकेट निकाल के डाल लिया। खाली पेट आपको तो ज़्यादा लग रही होगी सर्दी। सर्दी लग रही लेकिन चलता है सब तो चलते हैं अब। मैं कह रहा हूँ हाँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये जो घर बने हुए हैं, मतलब ये जो श्रृंखलाएं सी बना रखी हैं, दिखाइए एक बार, इसे बनाने से मुझे लग रहा है हमारा घर जल्दी बन जाएगा। मेरा घर वैसे तो ट्रैवलर का क्या क्या ही घर होगा, पर फिर भी होना तो चाहिए ना कोई घर।
तो लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों का बनाया, मैं बड़े पत्थरों का बनाऊंगा, मेरी कोठी पड़ेगी। बंगला मैं बंगलो सबसे बड़ा बनाया, मोटे मोटे पत्थरों का, लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों का बना रखा है, तो उनका छोटा घर मेरा बड़ा बनेगा। ये मेरा घर। अब यहाँ पे आए हैं तो स्नो देखने का तो बड़ा मन था, जो नहीं दिखी तो बर्फ के यहाँ पे स्नो के नाम पे ये है, इसी से काम मैं चलाऊंगा आज। रखो कदम, बस स्नो के नाम पे ये है, इसी को एंजॉय कर लो ऐसे। मजा हो गया पूरा। बस इसके बाद मैं चंद्रशिला से नीचे आ गया और विनोद जी जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए होस्ट किया अपने टेंट्स में, जिसके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया है। और इस दौरान 2 दिनों में मैंने अपने इस टेंट में ब्लॉग्स एडिट किए और मैं वापस आ गया एक पंजाब में, जहाँ से मुझे एक और नई डेस्टिनेशन कवर करनी है जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेंगी। तो बस इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। सच में मुझे यार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो ना। तो अभी तो बस बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।